हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अपना ध्यान लगाएंगे करियर पे, बिकॉज़ बहुत सारी लव की रीडिंग्स हो गई एंड आई नो आप लोग क्रश की रीडिंग का बहुत वेट कर रहे हो। इसके बाद में मैं क्रश की रीडिंग भी लेके आऊँगी, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि करियर रिलेटेड टॉपिक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, बहुत लोग अभी हाइपर एम्बिशियस हो गए हैं मेरे हिसाब से, एंड बहुत सारे लोग अभी करियर से कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपना ध्यान करियर पे लगाना चाहते हैं और करियर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें पाना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेके आई हूँ कि आने वाले 3 महीनों में आपके करियर में क्या चीज़ें होने वाली है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है और क्या चीज़ें हो सकती है। ओके, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन क्लिक करना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आती रहे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स है कि आप मेरे साथ कैसे रीडिंग बुक कर सकते हो, तो इनकेस आपको 1-on-1 रीडिंग बुक करनी है तो दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो गाइस, कुछ ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको मैं ये बता दूँ कि ये रीडिंग नो पाइल सिलेक्शन होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग। ये रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है, दैट मीन्स बहुत जनरल होगी, लेकिन हम एनर्जीज फुली कैच करेंगे, देखेंगे कि 3 महीने में आने वाली क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, तो देखते हैं कि आने वाले 3 महीनों में आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये आपका क्वेश्चन है आपके माइंड में, बहुत टाइम से ये जो चीज़ है ये चल रही थी, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी, देखते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी करियर में क्या होने वाला है। ओके ओके, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक कोई आप निशाना मारना चाहते हो या कोई गोल है आपके माइंड में जो आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता नहीं कि उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए, या फिर आपके पास कोई प्लान नहीं है, या फिर आपको उस चीज़ को लैंड करने के लिए कोई सेट मटेरियल्स नहीं है, या फिर कोई वैसे लोग नहीं है जो आपको एडवाइस कर पाए। मुझे यहाँ पर थोड़ा आने वाले 3 महीनों में जो स्टार्टिंग के महीने हैं, स्टार्टिंग के डेज है, उसमें आप थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि यू आर रेडी, आप तैयार हो, आप एम्बिशियस हो, लेकिन आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपको लगेगी टू अचीव अ सर्टेन गोल। ओके, तो थोड़ा सा लॉस्ट फीलिंग हो सकता है, आपको लग सकता है चीज़ें बहुत स्लो हो रही है, आपकी एनर्जीज बहुत अप है, आप बहुत एम्बिशियस फील कर रहे हो, आप चीज़ों को करने के लिए रेडी हो, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, लेकिन आपके पास जो अराउंड चीज़ें हैं वो ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है, आप बहुत लॉस्ट फील कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें होने के बावजूद एक प्लान की कमी लग रही है, या फिर एक नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, कैसे लिया जाए, उसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, जो थोड़ा सा डिले कॉज कर सकता है। बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी आएगी आपको सेकेंड वीक में, मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ सेकेंड वीक आपको कोई तो अपॉर्चुनिटी आएगी इन हैंड, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत शॉकिंगली प्रेजेंट होगी, बिकॉज मुझे ये लग रहा है ये पीरियड जो आपका आने वाला है, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आपको आने वाली है करियर में, वो थोड़े कन्फ्यूजन के बाद में या फिर थोड़ा होपलेसनेस के बाद में आएगी, और ये अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स की तरफ से आएगी। मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत लकी हो सकता है, इस वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली गाइडेड मैसेज आ रहा था करियर के लिए, बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे लोग करियर में एक प्रमोशन पा सकते हैं अगर आप उस चीज़ की सर्च कर रहे हो, या फिर एक गुड रिजल्ट आपके हाथ में आ सकता है, या फिर कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है। अगर आप फाइनेंसिस से स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको अचानक से कोई अच्छी चीज़ हाथ में आएगी, और वो एकदम अनएक्सपेक्टेडली आएगी, इट विल नॉट बी समथिंग जो आप एक्सपेक्ट करोगे और वो उसके बाद में आएगी। सो एक अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिल सकता है, एंड वो लेके मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ बदलने वाले हो। अगर वो चीज़ जो आपके साथ होने वाली है नेक्स्ट मंथ, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक होपलेस डेड सिचुएशन को ख़त्म करके एक बहुत एक्साइटिंग सिचुएशन लेके आएगी आपके माइंड में। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ एकदम डेड से एकदम अलाइव होने वाली है। हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्ते थोड़े से आपके डेड जाए, जहाँ पे आपको समझना है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर क्या, कहाँ पे आप जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लेकिन जो फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ है, जो कि जो महीना है आई थिंक मे ऑफ सेकेंड मंथ, मुझे लगता है मे ऑफ सेकेंड वीक, मुझे लगता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, और आपकी लाइफ जो डेड थी बहुत ज़्यादा, आपका एम्बिशन जो बहुत डेड था, कुछ तो आपके लाइफ में बहुत डेड था, वो चीज़ ख़त्म होकर एक न्यू
मुझे लगता है कि न्यू रे ऑफ होप आपको मिलेगा। तो आई थिंक ये जो सिचुएशन है, अगर आप बहुत ही ड्रास्टिक सफरिंग वाले जोन से चल रहे हो अपने करियर में, जहाँ पे बहुत आपको लॉसेस हो रहे हैं या फिर मे बी आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, मुझे लगता है ये और 3 हफ्ते चलेगा। बट उसके बाद में जो जैसे मैंने कहा है, मे के सेकेंड वीक से आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, आपको अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। और ये बहुत लोगों के लिए सेम होने वाला है, लाइक बहुत बड़ा चेंज आएगा। ओके लेट्स सी मोर। या हो सकता है कि इसके बाद में आप अपने लाइफ में चीज़ों को कट ऑफ करने लग जाओ, पीपल को, लोगों को, सिचुएशन को, जो एकदम डेड हो गई थी, आप एकदम से कांटेक्ट लूज़ कर दोगे लोगों से। देखो ये ट्रांजिशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तों की बलि चढ़ने वाली है थोड़ी सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आपके करियर में प्रोग्रेस होने वाला है, बट मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ में थोड़ी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, डेड होने वाली है, और उस चीज़ का थोड़ा सा गम तो देखो रहेगा आपको, लेकिन मुझे लगता है कि इतना भी नहीं है कि आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये महीना और आने वाले कुछ और हफ्ते आपके रिलेशनशिप सफ़र कर सकते हैं, और आप थोड़ा लॉस्ट फील कर सकते हो, होपलेस फील कर सकते हो, बट ये होपलेसनेस के बाद में ज़रूर मई के महीने से आपका ग्रोथ चालू होगा, जो बहुत टाइम से मुझे लगता है स्टक था। ओके ये फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है किसके द्वारा आपको मिल सकता है, मुझे लगता है कि कोई आपकी मदद कर सकता है इस चीज़ को पाने में, या फिर ये अपॉर्चुनिटी के आपके हाथ में आने में, कुछ लक का गेम है। सो यस, या कोई डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो हेल्प आपको मिलने वाली है, या जो एडवाइस मिलने वाली है, या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ये कोई फैमिली फ्रेंड या फिर कोई किसी के हेल्प से आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये चीज़ में आप अपना दिमाग थोड़ा कम लगाते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको मदद करने वाला है। अगर आपको फाइनेंसिस की तंगी थी, जो मुझे लगता है कोई आपको फाइनेंशियली हेल्प करने वाला है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो पैसे, तो कोई मुझे लगता है आपको एडवाइस करने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम से बहुत टेंशन में हो एग्ज़ाम को लेकर, तो कोई आपको कम्फर्ट करने वाला है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, तो अचानक से आपको किसी के रिकमेंडेशन से जॉब मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें किसी के हेल्प के द्वारा सडनली आपको मिल सकती है, और इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि आपको लोगों की सुननी चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान हो जो अपने ऊपर बहुत विश्वास रखता है, जैसा होना भी चाहिए, बट करेंटली मुझे लगता है आप बहुत बेनिफिट करोगे अगर आप थोड़ी लोगों की सुनोगे और लोगों के साथ में एक कोडाइल रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। बिकॉज मुझे लगता है ये जो अपॉर्चुनिटी आपको आएगी, वो किसी के हेल्प के द्वारा ही आएगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई ऐसी एडवाइस दे सकता है, ऐसी हेल्प कर सकता है, जिससे आपका माइंड अगर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था तो कॉन्फिडेंट बनेगा। मुझे लगता है किसी के द्वारा आपको अच्छा फील होगा अपने करियर में। ओके तो यस, ये चीज़ आ रही है कि कंफर्ट मिलेगा आपको। चीज़ें बहुत अगर डेड हो गई है ना, तो ये डेड रहेगी नहीं। जैसे भी आपका करियर अभी चल रहा है, इवन इफ अगर अच्छा चल रहा है, तो मुझे लग रहा है और अच्छा चलेगा। आई थिंक बहुत पैसा आपको मिल सकता है किसी के द्वारा, किसी के हेल्प के द्वारा, या फिर आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, या फिर दो लोग एक आइडिया, मुझे ऐसा लग रहा है दो लोग या दो फ्रेंड्स एक आइडिया निकाल रहे हैं और अचानक से वो एकदम लकी हो गए। तो मुझे लगता है कि मई के महीने में आपको डेफिनेटली रिस्क लेना चाहिए। मैं नहीं कहती कि अप्रैल में लो, क्योंकि अप्रैल में ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आप सफ़र करोगे थोड़ा सा। तो मई के महीने में मुझे लगता है रिस्क ले सकते हो, और मुझे लगता है मर्क्यूरी रेट्रोगेट के बाद में ही कुछ शुरुआत करो, इसलिए मुझे शायद अप्रैल की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। बिकॉज अप्रैल में मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो एक्लिप्स भी है। हाँ, इंडिया में नहीं है, लेकिन वैसे है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ है अप्रैल में, तो मुझे लगता नहीं कि आपको ये चीज़ की शुरुआत या फिर जो आपको गोल्स अकम्प्लिश करने हैं उसको अंजाम अप्रैल में देना चाहिए। इंस्टेड आपको अप्रैल में थोड़ा सा रेस्ट करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और ये जो शुरुआत आपको करनी है वो मई के महीने से करनी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर एम्बिशियस हो रहे हो कि आपको अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है, तो इसको थोड़े अपने घोड़े को शांत करो। बिकॉज मुझे लग रहा है कि अप्रैल का महीना आपके लिए नहीं है, और इसको मान के चलो कभी कभी कोई कोई समय आपके लिए नहीं होता है, एंड इट इज़ फाइन। बट मई के महीने से आपका कुछ एकदम ब्रिलियंट शुरुआत होने वाली है। अगर ये आपको मई के महीने में दिखेगा नहीं शायद कि इसका पोटेंशियल क्या है, लेकिन आने वाले महीनों में आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने ये चीज़ मई के महीने में की थी, या फिर ये डिसीजन मैंने मई के महीने में लिया था, जिससे मुझे अभी भी फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम होने वाला है बहुत लोग के लिए, बहुत लोगों के लिए। सोशलाइज़ कर सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो, किसी के द्वारा कुछ आपको मिल सकता है। अगर आपको ऐसे मॉडलिंग एक्टिंग प्रोफेशन में हो, तो आपको अचानक से कोई कॉन्टैक्ट लग सकता है, आपका कोई नंबर घुमा के आपको कुछ कुछ तो मिल जाएगा। मतलब अपना लक पूरा ट्राई करो मई के महीने में, बिकॉज नेटवर्किंग से, सोशलाइजिंग से, टॉकिंग से, कम्युनिकेटिंग से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। सो मेक परफेक्ट यूज़ ऑफ दैट। ओके
मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों को पीछे छोड़ रहे हो जो आपके लाइफ में कोई भी पर्पस सर्व नहीं करते थे। पर्सनल ग्रोथ हो रही है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि करियर में तो सही, लेकिन आपके पर्सनल पर्सनालिटी में बहुत सारी चेंजेस होने वाली है, जहाँ पे आप वो लोगों को अपना टाइम और एनर्जी नहीं दोगे जो बहुत हाफ हार्टेडली आपके लिए आपके साथ जुड़ रहे थे या फिर आपको बहुत एफर्ट्स नहीं दे रहे थे। आप बहुत चीज़ों को कट ऑफ कर सकते हो और आप अपने ईगो में आ सकते हो थोड़ा सा, मुझे लगता है। और ये अच्छा है, और ये ईगो बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि ईगो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बुरा हो जाता है, लेकिन सेल्फ ईगो होना चाहिए, क्योंकि वो आपको गलत लोगों से बचाता है और अपना मजाक उड़वाने से बचाता है। तो मुझे लगता है बहुत टाइम तक बहुत लोगों ने आपको करियर में या फिर वैसे भी सीरियसली नहीं लिया है, जो आफ्टर योर ग्रोथ या फिर जब आप ग्रो करने लग जाओगे तो आपको सीरियसली लेने लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को अभी भी एंटरटेन नहीं करना है और बाद में भी एंटरटेन नहीं करना है। जिसको आपने कट ऑफ किया अप्रैल में, उससे आज के बाद में, मतलब आज के बाद या फिर अप्रैल के बाद आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। ओके, आई एम सेइंग दिस वेरी 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 सीरियसली, क्योंकि ये चीज़ अगर आप वापस एंटरटेन करोगे तो आप एक साइकिल में फंस जाओगे और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, तो आप सैबोटाज कर दोगे सब कुछ। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आप चेंज होते हो तो अपने चेंज पे स्टिक रहना, बिकॉज आपको बहुत सारे टेस्ट आएंगे जहाँ पे यूनिवर्स आपको आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ग्रोथ में, सब में टेस्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हो सकता है कि पास्ट के लोग आपके पास वापस आ जाए आपको टेस्ट करने के लिए कि आप अभी भी बेवकूफ़ हो। तो ऐसे टेस्ट आपको होंगे, अगर आपने वो पास कर लिया तो आपको करियर में एक स्टेबल ग्रोथ, स्टेबल इनकम और बहुत सारा पैसा मिल सकता है। सो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना। एंड या वही वो सम ऑफ यू, अगर आपके ऊपर बहुत सारे लोन्स थे या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको बर्डन कर रही थी, तो मुझे लगता है कि मई के महीने से जो महीने आने वाले हैं उसमें धीरे धीरे करके, नॉट एग्जैक्टली पूरे मई के महीने में, लेकिन धीरे धीरे करके 3 महीनों में मेरे को लगता है आपका बर्डन कम होता जाएगा। हो सकता है कोई आपको मदद करे, एडवाइस करे, जिसके वजह से आपका जो बर्डन है, कुछ भी भार है आपके सर पे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार है, कुछ भी है, या तो वो डिवाइड हो जाएगा या तो कोई आपको एडवाइस करेगा, मदद करेगा, पर किसी तरीके से आपका जो भार है वो कम हो जाएगा। जो चीज़ अभी आपको बहुत हैवी लग रही है वो मई के महीने में, जून जुलाई के 3 महीने में ऐसा नहीं लगेगा। थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं, बट वो मुझे कौन से महीने में लग रहे हैं मुझे देखना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम आते हुए दिख रहा है फिर भी करियर में, वो कब है? हाँ, मुझे पास्ट आपका ना बहुत, मुझे लग रहा है कि कभी कभी आप रिस्क लेने से डर जाते हो बिकॉज ऑफ पास्ट फेलियर्स, तो आप थोड़ा सा डिप्रेसिव और एंग्शियस मूड में चले जाते हो। बट मुझे लगता है कि इतना टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि आप एक सही रास्ते पे जाओगे। आफ्टर में आप जो भी चुनोगे वो सही होगा, स्पेशली अगर वो चीज़ किसी और के द्वारा आ रही है या फिर वो आपको किसी के द्वारा एडवाइस कर रहा है कोई, तो मुझे लगता है कि वो और भी अच्छा होगा आपके लिए। तो आपको ज़्यादा इशू नहीं है यहाँ पे करियर में, बस अप्रैल में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम फेस हो सकता है। या हाँ, किसी किसी को ऐसे लग सकता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया, तो मुझे लगता है कभी कभी आपको ना ऐसा मूड में आता है कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया या फिर आपसे बहुत सारा समय निकल गया या फिर आपने कुछ किया ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा बुरे जोन में चले जाते हो जहाँ पे आप इतने सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो, और वही चीज़ आपको हार्म करती है, बिकॉज इट इज़ ऑपोजिट टू ग्रोथ। ये चीज़ आपको ग्रो होने नहीं देगी। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको पॉजिटिव रहना है, तो आपको अपने आपको पॉजिटिव चीज़ें बोलनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एक गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है कि अपने आपको इतना नीचे मत दिखाओ और अपने आप से इतनी नीची बातें मत करो, बिकॉज जो टाइम चला गया वो चला गया, आपको अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। ये उसका कन्फर्मेशन था आवाज़। तो मुझे लगता है यस, आप बहुत ज़्यादा अपने अपने ऊपर ना बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो, और आप कैसे किसी और कुछ साबित करोगे, कैसे कुछ बनोगे, जब आप अपने साथ ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। अगर आप ऐसी एनर्जी में चले जाते हो जहाँ पे आप छोटी मोटी ऑब्स्टिकल से भी इतना इतना डीमोटिवेट हो जाते हो बिकॉज ऑफ पास्ट, कि आप अपने अपने साथ में इतनी बुरी बातें करते हो, तो ये मत करो, बिकॉज ये आपके अगेंस्ट जाता है हमेशा। आपके अपॉर्चुनिटी आके आपके हाथ से चली जाती है, तो प्लीज़ ये जोन में मत जाना, कोशिश करो कि मत जाओ। एंड ये चीज़ आपको सत्यानाश कर देगी। यस, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद हो, आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक आपका दुश्मन है, आपके बैड हैबिट्स आपके दुश्मन है, आपका ये जो साइकिल बन चुका है ना ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियर्स, ये सारी चीज़ें आपका एक बहुत टॉक्सिक साइकिल है, बिकॉज आप एक्चुअली में एक मैजिशियन हो, आप एक्चुअली में एक मास्टर मैनिफेस्टेटर हो। तो जब आप अपने बारे में गलत सवाल उठाते हो या फिर अपने बारे में क्वेश्चन करते हो अपने आप को, तो आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट भी करते हो। ओके, तो मुझे ये भी लगता है कि आप लोग को अपना दुश्मन नहीं बनना है, बिकॉज कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमेशा आपको सुनता है। तो जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो तो यूनिवर्स
समझता है कि आप अपने बारे में ऐसा सोचते हो, तो वही चीज़ आपको वापस मिलती है। तो ये साइकिल में मत फंसो। अगर करियर में थोड़े भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अगर मैं कह रही हूँ आपको कि कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी अगर कुछ भी छोटा मोटा डिले भी आ जाता है, टाइम का थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है ना, तो आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसे में यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि क्या आप सुधरे हो कि नहीं सुधरे हो, बिकॉज आप एक्चुअली एक मैजिशियन हो। आप अगर फील्ड में आ गए, अगर आपको एक पर्टिकुलर काम दिया जाए, तो आप अपना पूरा टाइम मैनेज करके, अपने पूरे रिसोर्सेज यूज़ करके, अपनी पूरी स्किल्स यूज़ करके उस काम को एकदम प्यारा बना सकते हो। आप में इतनी सारी स्किल्स है, आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आपको भी पता है, लेकिन आप जब कंपैरिजन पे आ जाते हो तो अपने आप को बहुत डिमीन करते हो। तो ऐसी वाली एनर्जीज में जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, स्पेशली 1st of May से। मुझे लग रहा है 1st of May से कुछ तो आप सोचो और हो जाएगा, मतलब कुछ तो बदल रहा है यहाँ पे। ओके, तो पहली तारीख से, ओके, अभी आपको जो करना है, रोना है धोना कर लो, लेकिन पहले 1st of May के बाद में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो आपका आखिरी धक्का होगा। उसके बाद यूनिवर्स सिर्फ आपको जो आप सोचते हो वही देंगे। तो मैनिफेस्टेशन के लिए मेरे को लगता है बहुत हाई टाइम चालू हो चुका है, और आज एक्लिप्स भी है, तो मुझे लगता है कि आज अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो वो पूरे होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपके करियर में सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो या इसका इस्तेमाल करो, बिकॉज कुछ तो आने वाला है आपके पास। नाउ लेट्स सी मोर, और क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त, लेट्स सी। आपको थोड़ा और प्रेयर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अगर करियर में कुछ सक्सेस चाहिए तो मुझे लगता है आपको कुछ रेमेडीज़ हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज कोई लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर थोड़ा सा मैजिक भी हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि आपको जाने अनजाने में थोड़ी नज़र लग रही है, जिसके कारणवश आपकी प्रोग्रेस इतनी फास्ट नहीं हो रही है। आप किसी आपको कोई कोई लोगों को यहाँ पे रिलोकेशन को कहा जा रहा है, मतलब आप जहाँ भी हो आपको वहाँ से हटना है और कोई और लोकेशन पे जाके ग्रो करना है। अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, या फिर अपना कोई स्टेट चेंज करने का सोच रहे हो, या फिर फैमिली से अलग रहने का सोच रहे हो, अलग रह भी रहे हो तो अगर अपना घर चेंज करने का सोच रहे हो कि आपको लग रहा है घर में बहुत नेगेटिविटी है, तो आई थिंक दिस इज़ अ साइन कि आपको कुछ चेंज करना चाहिए 1st May के बाद में। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना है आपको, अभी कुछ भी नहीं करना है करियर में भी कुछ, मतलब जो कर रहे हो करते रहो, सफ़र कर रहे हो सफ़र करते रहो, 1st May के बाद में चेंजेस करना अभी नहीं। मैं बोल रही हूँ कि 1st May के बाद में आप रिलोकेशन का सोच सकते हो, किसी तरीके के लोकेशन चेंज का, या फिर ऐसा कुछ आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। आप करेंटली एक ऐसे दोस्त के साथ हो सकते हो, या फिर ऐसे इंसान के साथ हो सकते हो जो आपके लाइफ में बिल्कुल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ईविल आए आपको दे रहा है, या फिर आपसे बहुत जेलस है। ये एक हिडन पर्सन है, एक हिडन एनिमी टाइप की एनर्जी आ रही है, तो इस इंसान को पहचानो। ओके, आपके माइंड में अभी कोई इंसान आया था? अगर हाँ, ये बोलने के बाद में, तो वही इंसान है, मतलब ये कन्फर्मेशन था। ओके, ये कन्फर्मेशन था। अगर ये बोलने के बाद में आपके माइंड में कोई भी इंसान आता है, वो पहला इंसान वही है। ओके, ये वो इंसान है, इससे दूरी मेंटेन करो। अगर आपको लग रहा है कोई आपकी एनर्जी सक कर रहा है, ये कोई आंटी हो सकती है, नेबर हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर आपका फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है, अगर आप उनसे डिवोर्स चाहते हो, मुझे लग रहा है ग्रहण बन के ना ये इंसान लिटरली आपकी ज़िंदगी पे बैठा हुआ है, और इसको हटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, लिटरली ग्रहण है, लिटरली ग्रहण। अगर आपको सूरज मिलता है करियर में, तो ये पर्सन आप पे ग्रहण लगाते हैं, और इस ग्रहण को आपके लाइफ में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज़ ये एक बैड लक है, बैड लक एनर्जी है। अगर ये पर्सन एक्टिवली आपके ऊपर मैजिक नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई नज़र दोष कुछ तो है, नज़र का खेल, कि ये पर्सन आपको उठते हुए नहीं देख सकते। ओके, आप थोड़ा सा भी कुछ, अगर एक मोबाइल फ़ोन भी खरीद लो, ये पर्सन कि नज़र इतनी गंदी है कि वो स्क्रीन तोड़ सकती है। तो मुझे लगता है प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट। डिलेड सक्सेस, किसी किसी के लिए यहाँ पे सक्सेस डिले हो सकता है, अगर आपने इस पर्सन को एलिमिनेट नहीं किया, या फिर अगर वो ही नेगेटिव सेल्फ टॉक आप अपने साथ करते गए, तो मुझे लगता है आपका सक्सेस डिले हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये जो मई का महीने से शुरुआत होने वाली है ना आपकी, वो इतनी प्यारी होने वाली है, लेकिन अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाते हो, जो मैं कह रही हूँ वो नहीं करते हो, तो वो सक्सेस डिले हो जाएगी। सक्सेस आपके पास फिर भी आएगी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आएगी, बट स्लो आउटकम है, ठीक है। अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, स्लोली होगा, बट आई अश्योर यू कुछ बदलेगा। ओके, आपके लाइफ में मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें करियर में, या फिर कुछ ग्रोथ वाली चीज़ें बहुत लेट से आती है, बट सडनली आती है। सडनली हो सकता है कि आप
आपको, अगर आप कोई क्लाइंट से डील कर रहे हो तो सडनली आपके पास बहुत क्लाइंट्स आ जाए, अगर आप कोई ऑर्डर का वेट कर रहे हो तो सडनली आपके पास कोई बहुत सारे ऑर्डर ऑर्डर आ जाए, अगर आप कोई वीडियो पोस्ट करते हो सडनली कोई वीडियो वायरल चले जाए, तो सडनली पे भरोसा रखो, ये सडनली को खोना नहीं, क्योंकि सडनली कुछ भी हो सकता है. ओके, सडनली आपका एक जॉब सिलेक्शन हो सकता है जो आपकी ड्रीम जॉब हो, तो सडनली यूनिवर्स इंटरवेंशन इन सारी चीज़ों पर भरोसा रखो. एक्सप्लोर योर डार्क साइड, कोई कोई चीज़ें हैं आप में, जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, फियर्स, ये सारी चीज़ें आपको करियर में ग्रो करने से रोकती है, एक साइकिल बन के उभर के आती है. तो इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लोर करो. और आपको एक साइकिल है ऑफ बैड पीपल, मुझे लगता है आपके अराउंड बहुत नेगेटिव लोग हैं, उनको कट ऑफ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आप बहुत ऑब्सेसिव हो, आपका नेचर, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आपका नेचर बहुत ऑब्सेसिव है, आप बहुत इंटेंस हो. तो मुझे लग रहा है कि आप, कोई कोई लोग आउटकम से बहुत इंटेंस ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कि मतलब आप काम कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट ऐसा ही चाहिए, तो यही चाहिए, और ये आपके हाथ में है ही नहीं. काफ़ी लोग इस बारे में बात नहीं करते. मुझे लगता है कि जब आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हो, आपके हाथ में सिर्फ उस पर 100% काम करना है, उसका आउटकम आपके हाथ में है ही नहीं, कभी था भी नहीं. तो उस चीज़ को कंट्रोल करने मत जाओ तो जो कंट्रोल नहीं हो सकती, बिकॉज वो चीज़ भगवान के हाथ में है. तो अगर आपने ये सारी चीज़ें की तो आपको वो जो गोल्डन चीज़ मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, जो चीज़ मिलने वाली है वो आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज आप ऑब्सेसिव हो, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो. आप काम से भी ऑब्सेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, कोई कोई लोग इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं अपने मैनिफेस्टेशन से कि कब होगा कब होगा कब होगा, वो समझते नहीं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, और उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. लेकिन ये ऑब्सेशन है आपका, आप कहीं ना कहीं, मैं कह रही हूँ ना, ये जो वीडियो देख रहे हैं, करियर में आप अपने ही दुश्मन हो, आपको पता नहीं है लेकिन हो, आप अपने ही दुश्मन हो. और साथ में ये जो एक पर्सन है जो नज़र लगाता है आपको, बट उसका भी इतना असर नहीं दिख रहा, मुझे लगता है उसका जो नज़र है वो 20-80 या किसी के लिए 80% है. लेकिन अगर आप अपने ऊपर थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करने लग जाओ और अपने ऑब्सेसिव बिहेवियर पर ध्यान दो, क्या आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ या एक सक्सेस या एक चीज़ को पाने के पीछे ऑब्सेसिव हो जाते हो, ये नेचर अच्छा नहीं है. यूनिवर्स को ये नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है. अगर आप कोई चीज़ को लेके चाहते हो कि ये आपकी हो जाए, चलो ठीक है, उतना ठीक है, लेकिन ये मेरी ही होनी चाहिए, इसी समय होनी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं होगा. ओके, तो ये नेचर को हटाओ, बिकॉज दैट इज़ माई बिगेस्ट गाइडेंस टू यू, बिकॉज ये आपका काम बर्बाद कर देगा. आप एक और एक चीज़ आ रही है, कोई कोई जगह पे मुझे लग रहा है कि आप फालतू के एफर्ट्स डाल रहे हो. अगर आप कोई जॉब में हो जहाँ पे आपको कोई पैशन ही नज़र नहीं आ रहा है, अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ ऑलरेडी डेड हो चुकी है, लिटरली लाइक आप करियर में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका रत्ती भर भी मन नहीं कर रहा है, तो उस काम से हटने की टाइम आ गया है, बिकॉज आपका कम्प्लीटली न्यू फेज़ आने वाला है. तो उसमें एक न्यू एनर्जी को इंट्रोड्यूस करो. जो चीज़ डेड हो चुकी है ना, उससे हट जाओ, चाहे वो दोस्त हो, नॉट फिजिकली डेड, लाइक मतलब आपको एक डेड एनर्जी आ रही है, आपको लग रहा है कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पर्पस से अलाइन करता ही नहीं है, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो मेरा टाइम वेस्ट है. कोई भी चीज़ करने के टाइम पे आपको लगता है कि अरे मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, ये तो टाइम वेस्ट है. चांसेस आर कि यस, वो टाइम वेस्ट ही है. ओके, तो चेंजेस करने का टाइम है. ओके, मुझे ऐसे भी लगता है कि एक मिनट रुको यार, ये बहुत ज़्यादा है. ओके, मुझे ऐसे भी लगता है कभी कभी आप रिस्क नहीं लेते हो अपने करियर में, बिकॉज आपको फियर है रिजेक्शन का. कोई कोई लोग परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, तो आप अपना हमेशा बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना चाहते हो, बिकॉज जो काम आप चुनते हो आपके बारे में सोसाइटी में बहुत कुछ बोलता है. बट मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए. इन द मंथ ऑफ मे, जून एंड जुलाई, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने हैं. तो विद द फियर ऑफ रिजेक्शन कार्ड, आई फील अगर आप ये रिजेक्शन से डरोगे या फिर इसको फेस करने से डरोगे, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जा सकते हो. तो डू नॉट फियर रिजेक्शन. व्हाट एल्स, या तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ऑफ मे से आपका एक ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई होने वाला है. और अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, एंड टुडे आई नो इज सोलार एक्लिप्स, तो कुछ रेमेडीज या रिचुअल्स आप कर सकते हो बाय मैनिफेस्टिंग योर सक्सेस. अगर आपको, आप मुझे लगता है बेस्ट आपके लिए काम करेगा अगर आप
मेडिटेशन स्टार्ट करो और विजुअलाइज करो कि आपको अपनी लाइफ करियर में कैसी चाहिए. आप एक मूवी बनाओ अपने माइंड में, बिकॉज वो चीज़ एक विजुअलाइजेशन में इतना पावर है कि वो सच कर सकती है आपकी चीज़ें. तो बहुत ध्यान से विश करना, बिकॉज चांसेस आर कि आप जो विश करोगे आने वाले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा. बहुत बड़ा मुझे लग रहा है करियर के टर्म्स में विश फुलफिलमेंट आने वाला है सबके लिए. ये जितना आने वाला है उतना ही जाने भी वाला है लोगों के हाथ से, अगर आपने वो चीज़ें नहीं की जो मैंने आपको कही है. कोई कोई लोग यहाँ पे मून मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं. मुझे लग रहा है कि जो फुल मून न्यू मून का टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो. फुल मून के दिन वो सारे लोगों को, वो सारे एक्सपीरियंसेस को रिलीज़ करो जो आपको होल्ड बैक करते हैं. फुल मून के टाइम पे जो फियर ऑफ रिजेक्शन ऐसी वाली जो इमोशंस है उसको रिलीज़ करो, एक पेपर पे लिख के जला दो. और न्यू मून के दिन आपको मैनिफेस्ट करना है बाय राइटिंग ग्रैटिट्यूड. पहले आपको थैंकफुलनेस देनी है यूनिवर्स को कि जो भी उन्होंने आपको दिया है उसके लिए थैंक यू. और उसके साथ में आपको जो चाहिए, आप कहाँ देखते हो अपने आप को, आप देखते हो कि अपने आप को टीचिंग करते हुए, आप देखते हो कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो उसमें बहुत हाई स्कोर्स आ रहे हैं आपको, तो ऐसे मैनिफेस्टेशंस करना चालू करो. बेलीफ मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए बहुत वर्क करेगा. तो वेरी मैजिकल, मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीनों में आप लोगों के लिए जो बड़ा मैसेज आ रहा है मुझे करियर में, मैजिक पे भरोसा रखो. बिकॉज कभी भी कुछ भी पलट सकता है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है. मे बी आपका टाइम इतना डेविस्टेटिंग है कि आपके पास, आप बहुत ब्रोक हो गए हो एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है. आपको पता चल रहा है कोई प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई या फिर किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आपका हक आ गया, आपको बहुत सारे पैसे मिल गए. प्लीज़ प्लीज़ बिलीव इन दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि 3 महीने आई डोंट मेक, मैं आपने देखा रहेगा करियर के 3 महीने पे मैं वीडियो कभी नहीं बनाती, बट मुझे अभी क्यों आया, बिकॉज मैजिक होने वाला है, लिटरली मैजिक होने वाला है सबके साथ. तो इस चीज़ को थोड़ा सा यूटिलाइज करना. और व्हाट एल्स आपको और क्या जानने की ज़रूरत है? ओके या लिटरली लाइक यस, आपके गार्डियन एंजल्स जो है आपके बहुत क्लोज रहते हैं, बहुत क्लोज, आपको बहुत क्लोजली सुनते हैं, आपके ड्रीम्स को बहुत क्लोजली सुनते हैं और वो सारी चीज़ें पूरे करने के लिए आ रहे हैं. आपकी बहुत सारी नीड्स, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरे होने वाली है, विश फुलफिलमेंट होने वाला है आपका. और आपको कुछ चीज़ें 3 महीनों के दौरान ऐसे पता चल सकती है कि आप में कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं. मे बी आपको पता चले कि आप ये करते आए हो लेकिन आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, तो आप उसमें भी कुछ कर सकते हो. मे बी आपको पता चले कि आप बहुत अच्छा यू नो आप ऑलरेडी अपना लाइन में कुछ कर रहे हो लेकिन आपको पता चले कि आप में एक और एक टैलेंट है, तो अपने आप को डिस्कवर करने वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हो. 3 महीने मैजिकल होने वाले हैं, सो प्लीज़ मेक फुल यूज़ ऑफ दिस. बहुत अटेंटिव रहना और इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना. वॉट एल्स, या इस दौरान मुझे लग रहा है कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपके पास आ सकते हैं. जैसे मैंने कहा, यस, बहुत ज़्यादा लोग अचानक से आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं. एक बिगेस्ट साइन जो मैं आपको दे सकती हूँ कि आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस आने वाले हैं करियर में, जब आपको सब लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आप जैसे काम करने बैठ रहे हो पीछे घर में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, जैसे ही आप अपने करियर के बारे में कुछ बात कर रहे हो अचानक से आपका दोस्त आके अपनी दुखी कहानी बोलने लग रहा है. तो मुझे लग रहा है कि बार बार डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, मतलब आप अपनी बात बोलने जा रहे हो या फिर काम करने जा रहे हो और अचानक से कुछ जस्ट डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको बार बार. तो बहुत लोग मुझे लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, बहुत सारे लोग आपको आपके रास्ते से हटाने आएंगे. उस टाइम पे बहुत सारा आपको एनर्जी खाएगी. मे बी जो आप बहुत टाइम से चाहते थे कि लवर आपके लाइफ में आ जाए वो अचानक से आ जाएगा, बट उसको इतना ऐसे मत लेना. टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज आई थिंक एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है. लाइक यूनिवर्स ऐसे ही कोई चीज़ आपको नहीं देगा, ऐसे ही मतलब आप जो चाहोगे आपको नहीं मिलेगा, आपको एक टेस्ट पार करना पड़ेगा. तो एक्सपेक्ट पीपल फ्रॉम द पास्ट कमिंग बैक डेफिनेटली. चीज़ें जो आप चाहते थे आपको टेम्प्ट होने वाला है, आपको बहुत सारा टेम्पटेशन होने वाला है. मतलब अगर आप समझ लो कोई डाइट पे हो, अचानक से आपके सामने गुलाब जामुन आ गया, वाह, हु कैन रेजिस्ट दैट, राइट? मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती, मैं तो अभी भी खा के बैठी हूँ. बट आपको बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे, ठीक है, ये टाइम पे. और बहुत फनीली ये आपको समझ आ जाएगा क्योंकि मेरा वीडियो आप देख रहे हो. आप जब नोटिस करोगे, चाहे आपका जो भी पीरियड चालू है करियर में, अचानक से जब आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन, आप जा ही नहीं पा रहे हो, आप लेट उठ रहे हो, आपका अलार्म क्लॉक लेट बज रहा है, मतलब इश्यूज आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है. या फिर जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अचानक से किसी दोस्त को आपकी मदद लग रही है, वो बोल रहे कि अभी आ जाओ, अभी मेरे पास आ जाओ, इफ़ यू वैल्यू मी प्लीज़ कम बैक, इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है. नो,
ये आपका टेस्ट है, आपका टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट है, तो यू विल बी टेस्टेड। तो इंट्यूशन पे अपने फोकस रखना, मेडिटेशन के द्वारा अपना माइंड एकदम गोल पे रखना, एकदम अपने विजन पे रखना, बिकॉज़ ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ आ रही है ये आपको ऐसे ही हैंड ओवर नहीं करेंगे, ये आपको टेस्ट करके, आपको टेम्प्ट करके, आपको बहरा फुसला के, आपको टेम्पटेशन में डाल के आपको फिर मिलेगी ये चीज़, ओके। बिकॉज़ करियर में हो सकता है यू जस्ट हिट अ जैकपॉट, जस्ट हिट अ जैकपॉट, 3 महीने बाद एटलीस्ट ये वीडियो पे आके कमेंट करना, अगर आपको एक अच्छा जॉब मिल जाए या फिर आपको वो जो चाहते थे वो नहीं मिला लेकिन उससे अच्छा कुछ मिल जाए, अगर ये हो जाए तो 3 महीने बाद मुझे याद करना और ये वीडियो पे कमेंट करना, बिकॉज आई एम प्रिडिक्टिंग इट, इट विल हैपन, ओके। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, बट अगेन इट विल नॉट कम अनलेस यू जस्ट पास अ टेस्ट, ओके। सो लेट्स सी मोर, और क्या आपको जानना ज़रूरी है इस समय, वेरी एक्साइटेड फॉर यू। हाँ, आपको अचानक से लव ऑफर्स आ रहे हैं, आपको अचानक से, अगर आप कोई डेटिंग ऐप पे हो, अचानक से आपको ऐसे लेफ्ट एंड राइट स्वाइप आ रहे हैं, आपको अचानक से लोग मिलना चाह रहे हैं, आपको अचानक से दोस्तियाँ बढ़ रही है, आप अचानक से अटेम्प्ट हो रहे हो, तो दिस इज़ नॉट, नो रिलेशनशिप कैन एंटर फॉर 3 मंथ्स, सॉरी। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, योर डिस्ट्रैक्शन विल, अपने लुक एट दिस कार्ड, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? देखिए, पहले आपको लवर्स के साथ में यू विल गेट पीपल जो आपको समझना चाह रहे हैं, अचानक से आपको समझा रहे हैं, अचानक से आपको समझ रहे हैं, इतनी प्यार भरी चीज़ें हो रही है, आप पे प्यार बरसाया जा रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आप इतने सुंदर हो, इतने ब्यूटीफुल हो, इतने सेक्सी हो, बट आपको बोलना है ओके मैं ये सब हूँ, आई नो दैट, बट मेरा काम पहले है, ओके। अगर आपका फोकस माशा अल्लाह रहा, बेकाबू बेकाबू बेइंतहा प्यार होना चाहिए आपको आपके काम से, ओके, यू विल गेट सक्सेस, आई कैन गारंटी यू दैट, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बट अगेन, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये एक ट्रैप है, ये एक छल है, ये एक कपट है जो आपके साथ होने वाला है थोड़े टाइम में। अगर आपको चूज़ करना है, या तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ इम्प्रूव करनी है या फिर अपनी प्रोफेशनल, बिकॉज मुझे लगता है फॉर मी, मेरे को अगर ऐसा चॉइस मिले तो मैं ज़्यादा प्रोफेशनल पर फोकस करना चाहूँगी, बिकॉज एट द एंड दिस इज़ दिस, ओके। वाटर रीडर आई एम, माई गॉड, मैं आपको सही बोलूँगी, ओके, थोड़े मैं अपने विचार भी डाल सकती हूँ बिकॉज ये मेरा चैनल है, तो अभी के लिए मुझे लगता है कि अगर इतना बड़ा जैकपॉट आ रहा है आपके हाथ में तो वाई गेट डिस्ट्रैक्टेड, आई मीन हु विल वॉन्ट टू लूज दिस, नो बडी। नोटिस द साइंस, आपको बहुत सारे इसके पहले साइंस मिलने वाले हैं, मे बी आपको एक फेदर दिखे, या फिर मुझे कोई कोई लोग के लिए एक ड्रैगन फ्लाई दिख रहा है, अगर आपके अराउंड कभी भी कोई ड्रैगन फ्लाई आ जाए, या फिर आपके पास कोई बटरफ्लाई आके बैठ जाए, या फिर आपको कोई बटरफ्लाई ब्लू कलर की ब्राउन कलर की बटरफ्लाई दिखे, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपके एंजल्स बहुत करीब है आपके, और वो आपको बता रहे हैं कि देयर फॉर एवर विथ यू, बट आपको क्लेंस और डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा आपके, जैसे मैंने कहा कि थोड़े लोगों से दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करना पड़ेगा लोगों से टू गेट दिस ब्लेसिंग, बिकॉज जब आप ऊपर जाते हो, ट्रस्ट मी, डिस्ट्रैक्शन लेफ्ट एंड राइट से आते हैं, तो यही चीज़ आपके साथ होने वाली है, और पूरे पॉजिटिव फीलिंग के साथ में आगे बढ़ना है 3 महीने तक एटलीस्ट। अगर मई में आपको कुछ नहीं दिखाई देता तो जून में दिखाई देगा, जून में नहीं देगा जुलाई में दिखाई देगा, बट दिखाई देगा। मई में हो सकता है कि बिगिनिंग हो कोई चीज़ की, मैं ये नहीं बोल रही कि मई में आप जैकपॉट हिट करोगे, मैं बोल रही कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो 3 महीने में आपको ग्रो कराएगी, ओके। सो लास्ट कार्ड निकालेंगे, बस फिर रीडिंग ख़त्म करेंगे, ठीक है, लास्ट कार्ड, व्हाट एल्स, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। पैसा ही पैसा, लुक एट, इफ़ यू वॉन्ट टू बी द किंग, अगर आपको किंग और क्वीन बनना है, मई जून जुलाई इज़ द मंथ फॉर यू, ओके, बट इट इज़ अ वॉर, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट सेवियरली डिस्ट्रैक्टेड बाई अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इफ़ यू ट्राई टू फोकस ऑन द गुड पार्ट देन यू विल गेट द गुड पार्ट, ओके। तो इस दौरान आप ज़्यादा करके अपने प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स को बढ़ा सकते हो, आप इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, चीज़ें खरीदने का अच्छा टाइम आ रहा है, मनी को मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन में जाना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको किंग बनना है, लिटरली लाइक किंग और क्वीन बनना है, क्वीन, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक राजा और रानी पैसों के, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय आ रहा है। अगर आप पैसों के लिए कुछ चाहते हो तो फुलफिलमेंट आ रही है, 10 ऑफ कप्स, मतलब लुक एट द 2 कार्ड्स,
मनी रिलेटेड, करियर रिलेटेड फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है 3 महीनों में. आप बहुत टाइम से जो चीज़ का वेट कर रहे थे वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है. एंड आई फील सो गुड कि मैं फाइनली गुड न्यूज़ लेके आ रही हूँ आपके पास, बिकॉज आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज. आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर मी, बिकॉज मुझे पता है मेरे लिए भी आ रहा है. बट अगेन, डोंट फर्गेट, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है आपको, बिकॉज ये आपको तब मिलेगा. लेट मी जस्ट चेक अगेन, ये आपको कब मिलेगा? ओके, क्या चांसेस है कि ये ना मिले? अगर नहीं मिला तो किस वजह से नहीं मिलेगा, प्लीज़ बताना. अगर आप इम्पल्सिव रहोगे, अगर आप कंक्लूजन पे जंप करोगे, अगर आप घाई करोगे, मतलब मुझे अभी के अभी अभी चाहिए जो मैंने आपको कहा था, अगर आपका डार्क साइड निकलेगा, अगर आप ऑब्सेसिव हो जाओगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी. सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा हॉर्नी, अगर आप बहुत ज़्यादा लस्टफुल, या फिर अपने लस्ट या अपने फिज़िकल अट्रैक्शन या फिर अपने लव वाले जोन में चले गए, तो मे भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. ओके, इसलिए मैंने कहा फोकस, लाइक फोकस, फोकस. कैन यू हियर मी? फोकस. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना. मुझे बहुत ऐसे गर्मी की हो रही है, बेल आइकन पे क्लिक करना. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है, अगर आपको बुकिंग करनी है तो वहाँ पे जाके बुकिंग कर सकते हो. हम 1-on-1 रीडिंग करेंगे. एंड चैनल को सपोर्ट करना, कमेंट करना, बिल्कुल मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. एंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.